तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे 2022 की नई नियुक्तियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के नए CDS किसको बनाया गया है? तो देश के चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान को देश का पहला देश का नया CDS नियुक्त किया गया है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो देश का 50वां प्रधान न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। किसे नियुक्त किया है देश का 50वां न्यायाधीश? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यह है देश के 50वें न्यायाधीश। फिर अगला क्वेश्चन, देश के नए महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट मणि को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, जो कि 16वें है। क्या है नाम? आर वेंकट मणि, जिन्हें नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के नए महालेखा नियंत्रक भारती दास को नियुक्त किया गया है, जो कि देश के 27वें लेखा नियंत्रक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के राजस्व सचिव के रूप में राजीव मल्होत्रा को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव मल्होत्रा को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार संवर्धन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय व्यापार संवर्धन के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। किसे? प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है ए बाला सुब्रमण्यम को। किसे बनाया गया है? ए बाला सुब्रमण्यम को। आइए हम अगले बनते हैं, यस बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? तो यस बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया CEO बनाया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, गेल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त अजय भाटू को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? अजय भाटू, निर्वाचन आयोग के उप आयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन के अध्यक्ष चुना गया है शेफाली जुनेजा को। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिलीप टर्की जी को। किसको नियुक्त किया गया? दिलीप टर्की को। फिर
अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया। किसको? राजीव बहल। फिर अगला क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के नए महानिदेशक SS थाउसेन को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? SS थाउसेन को। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसे? मृणालिनी श्रीवास्तव को। फिर अगला क्वेश्चन है, तो अगला है हमारा, DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत को किया गया है। किसे? समीर वी कामत को। फिर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया CEO परमेश्वरन अय्यर को किया गया है। किसे? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालय संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। किन्हें? इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको गॉड ब्लेस यू।